YouTube के शिव शक्ति चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी नॉलेज और मनोरंजन लगातार बढ़ते रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गुस्से को नियंत्रित करने का एक सुंदर उदाहरण। एक वकील ने सुनाया हुआ एक हृदय स्पर्शी किस्सा। मैं अपने चेम्बर में बैठा हुआ था, एक आदमी दंदनाता हुआ अंदर घुसा, हाथ में कागजों का बंडल, धूप में काला हुआ चेहरा, बढ़ी हुई दाढ़ी, सफेद कपड़े जिनमें पांचों के पास मिट्टी लगी थी। उसने कहा, उसके पूरे फ्लैट पर स्टे लगाना है, बताइए क्या क्या कागज और चाहिए, क्या लगेगा खर्चा। मैंने उन्हें बैठने का कहा। रघु, पानी दे इधर, मैंने आवाज लगाई। वो कुर्सी पर बैठे, उनके सारे कागजात मैंने देखे, उनसे सारी जानकारी ली। आधा पौना घंटा गुजर गया। मैं इन कागजों को देख लेता हूं, आपकी केस पर विचार करेंगे। आप ऐसा कीजिए बाबा, शनिवार को मिलिए मुझसे। चार दिन बाद वो फिर से आए, वैसे ही कपड़े, बहुत डेस्परेट लग रहे थे, अपने भाई पर गुस्सा थे बहुत। मैंने उन्हें बैठने का कहा, वो बैठे। ऑफिस में अजीब सी खामोशी गूंज रही थी। मैंने बात की शुरुआत की, बाबा मैंने आपके सारे पेपर्स देख लिए, आप दोनों भाई एक बहन, मां बाप बचपन में ही गुजर गए, तुम नौवीं पास, छोटा भाई इंजीनियर, आपने कहा कि छोटे भाई की पढ़ाई के लिए आपने स्कूल छोड़ा, लोगों के खेतों में दिहाड़ी पर काम किया, कभी अंग भर कपड़ा और पेट भर खाना आपको मिला नहीं, पर भाई के पढ़ाई के लिए पैसा कम नहीं होने दिया। एक बार खेलते खेलते भाई पर किसी बैल ने सींग घुसा दिए, लहूलुहान हो गया आपका भाई, फिर आप उसे कंधे पर उठाकर 5 किलोमीटर दूर अस्पताल ले गए। सही देखा जाए तो आपकी उम्र भी नहीं थी ये समझने की, पर भाई में जान बसी थी आपकी, मां बाप के बाद मैं ही इनका मां बाप, ये भावना थी आपके मन में। फिर आपका भाई इंजीनियरिंग में अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाया, आपका दिल खुशी से भरा हुआ था। फिर आपने मरे दम तक मेहनत की, 80,000 की सालाना फीस भरने के लिए आपने रात दिन एक कर दिया, बीवी के गहने गिरवी रख के, कभी साहूकार से पैसा लेकर आपने उसकी हर जरूरत पूरी की, पीछे था। फिर अचानक उसे किडनी की तकलीफ शुरू हो गई, दवाखाने हुए, देव भगवान हुए, डॉक्टर ने किडनी निकालने को कहा, तुमने अगले मिनट में अपनी किडनी उसे दे दी, कहा कल तुझे अफसर बनना है, नौकरी करनी है, कहां कहां घूमेगा बीमार शरीर लेके, मुझे गांव में ही रहना है, एक किडनी भी बस है मुझे। ये कहकर किडनी दे दी उसे, फिर उसने शादी कर ली। तुम सिर्फ समय पर वहां गए, उसी के कॉलेज की लड़की जो दिखने में एकदम सुंदर थी, भाई को नौकरी लगी, 3 साल पहले उसकी शादी हुई, अब तुम्हारा बोझ हल्का होने वाला था, पर किसी की नजर लग गई आपके इस प्यार को। शादी के बाद भाई ने आना बंद कर दिया, पूछा तो कहता है, मैंने बीवी को वचन दिया है, घर पैसा देता नहीं, पूछा तो कहता है कर्जा सिर पे है, पिछले साल शहर में फ्लैट खरीदा, पैसे कहां से आए, पूछा तो कहता है कर्ज लिया है, मैंने मना किया तो कहता है भाई तुझे कुछ नहीं मालूम, तू निरागवार ही रह गया, अब तुम्हारा भाई चाहता है गांव की आधी खेती बेचकर उसे पैसा दे दे। इतना कह के मैं रुका। रघु ने लाई चाय की प्याली, मैंने मुंह से लगाई, तुम चाहते हो भाई ने जो मांगा वो उसे ना देकर उसके ही फ्लैट पर स्टे लगाया जाए, हम स्टे ले सकते हैं, भाई के प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मांग सकते हैं, पर तुमने उसके लिए जो खून पसीना एक किया है वो नहीं मिलेगा, तुमने दी हुई किडनी वापस नहीं मिलेगी, तुमने उसके लिए जो जिंदगी खर्च की है वो भी वापस नहीं मिलेगी। मुझे लगता है इन सब चीजों के सामने उस फ्लैट की कीमत शून्य है। भाई की नीयत फिर गई, वो अपने रास्ते चला गया। अब तुम भी उसी कृतघ्न सड़क पर मत जाना, वो भिखारी निकला, तुम दिलदार थे, दिलदार ही रहो, तुम्हारा हाथ ऊपर था, ऊपर ही रखो, कोर्ट कचहरी करने की बजाय बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, पढ़ाई करके तुम्हारा भाई बिगड़ गया, कल भाई भी आकर पांव छू के गया, माफ कर दे मुझे ऐसा कहकर गया है, मेरे हाथ का पेड़ा हाथ में ही रह गया, मेरे आंसू टपक ही गए आखिर। गुस्से को योग्य दिशा में मोड़ा जाए तो पछताने की जरूरत नहीं पड़ती कभी, बहुत ही अच्छा है।
पर कोई समझे और अमल करे तब सफल हो। कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपका और हमारा रिश्ता भी बना रहे।